गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस। मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल बताए थे और मैंने आपको ये बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, सबसे पहली चीज आपको यह चेक करनी होती है कि उस कंपाउंड में कंजुगेशन हो। अब कंजुगेशन आप कैसे चेक कर सकते हो? कंजुगेशन चेक करने के ना चार तरीके होते हैं अपने पास। एक होता है अपने पास डबल बॉन्डी कंजुगेशन, एक होती है पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन, और लास्ट होता है हमारे पास लोन पेयर्स का कंजुगेशन। फ्री रेडिकल्स भी कंजुगेशन कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं रहा, वो एक डिफरेंट केस है, वो आप नई हेडिंग में पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन नाम का टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो हमारे लिए चार कंजुगेशन मेन है। मैंने कल आपको जो एग्जाम्पल बताए थे वो एग्जाम्पल कौन से थे? जिनमें नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंट्रीब्यूट करता हो। कल आपने जो बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, आपने साइक्लोप्रोपेन का पढ़ा था नेगेटिव चार्ज वाला, साइक्लोपेंटेन का पढ़ा था नेगेटिव चार्ज वाला, साइक्लोहेप्टाट्राइन का मैंने आपको घर से बनाने के लिए दिया था जो मुझे बच्चों ने भेजा। इन सबके अंदर आप क्या कर रहे थे? कंजुगेशन शो कर रहे थे नेगेटिव चार्ज के साथ। आपको ये सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जगह लोन पेयर प्रेजेंट होता, समझ रहे हो? जो स्ट्रक्चर आपने इस वाली कंजुगेशन में बनाया है ना, वो सेम स्ट्रक्चर इस कंजुगेशन में बनते हैं। मैंने ना आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया रेजोनेंस में, जब हमारे कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है तब कैसे बनाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जाम्पल मैं भी नहीं करवा रहा, वो आप बेंजीन में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? एक बार इतने एग्जाम्पल काफी है रेजोनेंस को समझने के लिए। कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बच्चों ने ना रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया हुआ था, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बताया था कैसे बनेगा। सभी बच्चों ने सात स्ट्रक्चर बना लिए थे, उन सातों स्ट्रक्चर्स को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा वो देखो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बच्चों ने सेवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, सभी स्ट्रक्चर्स में एक एक करके नेगेटिव चार्ज जो है ना वो सातों कार्बन पे आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा एक ही बार में आ जाएगा, सातों कार्बन पे अलग अलग नेगेटिव चार्ज आ रहा था सात अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे। दूसरा आप क्या कर रहे थे, जैसे मान लो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, फिर डबल बॉन्ड्स हमारी प्रेजेंट थी कुछ ऐसे, समझ रहे हो? एक जगह पे नेगेटिव चार्ज था और बाकी जगह पे क्या था? डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंस। तो आप यहां पे ये देख रहे हो नेगेटिव चार्ज भी पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड भी पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रही है। डबल बॉन्ड पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रही है, ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे आप बेंजीन में रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रही है ना, तो घूमते घूमते उसने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। डबल बॉन्ड तो घूम ही रही है, नेगेटिव चार्ज भी घूम रहे हैं, तो आप नेगेटिव चार्ज सेंटर में दिखा देते हैं। नेगेटिव चार्ज सेंटर में दिखाने का क्या मतलब है कि नेगेटिव चार्ज इज ऑसिलेटिंग ऑन ऑल कार्बन्स। अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो, पूरी रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, पर ज्यादातर बुक्स में यही बना होता है। अच्छा, अगर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सर्कुलेट कर रहा होता फिर आप क्या करते हैं? बीच में पॉजिटिव बना देते। तो ये अपना रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कल वाले एग्जांपल का, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये जरूरी है, ठीक है जी? तो ये आपने कल डिस्कस किया था, आज आप डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस के रूल्स और रेजोनेंस की कंडीशंस। पहले मैं आपको रूल्स लिखवा रहा हूँ, कंडीशंस के लिए मैं आपको एक कंडीशन लिखवाऊंगा उसके बारे में समझाया करूंगा, फिर एक लिखवाऊंगा फिर उसके बारे में समझाया करूंगा। तो सबसे पहले आज आपकी हेडिंग आएगी रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना बड़ा वर्ड आप बारी बारी लिखा करेंगे, उसके जगह पे आरएस लिखा करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, और रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए क्या लिखा करेंगे? आरएच, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला रूल लिखोगे द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड डिफर
ओनली इन पोजिशन ऑफ, ओनली इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड, नॉट इन पोजिशन ऑफ एटम्स, नॉट इन पोजिशन ऑफ एटम्स। जो मैंने लिखवाया वो समझ में नहीं आया, इसको समझने के लिए एग्जांपल देखना पड़ेगा। ये क्या ले लिया मैंने, साइक्लोप्रोपीन का एनायन ले लिया, ये कंजुगेशन में है, रेजोनेंस शो करेगा। कल कौन से पॉइंट गा रहे थे अपन, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए, इसी लाइनिंग को फॉलो करते हुए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, जो कि ये तीन बनेंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर इन तीनों स्ट्रक्चर्स में या तो नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। यही अपना पहला रूल है। एक बार मैं क्लास रिस्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन एनायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, जो अपने स्ट्रक्चर बनाए उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है या नेगेटिव चार्ज की। एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। आप कभी ये नहीं देखोगे भी रेजोनेंस में ये वाला कार्बन यहां चला गया, ये वाला कार्बन यहां चला गया। एटम्स अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करते। पोजीशन कौन चेंज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये हमारा पहला रूल है। आपने कोई रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, आपने बोला सर मैंने रेजोनेंस करके नाइट्रोजन में यहां ले आया, ऑक्सीजन में यहां ले आया, गलत है। रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता। एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपकी रेजोनेंस में आपने एटम की पोजीशन चेंज कर दिया, आपने गलत बनाया है। समझ में आ गया होगा, पहला रूल। सेकंड रूल लिखोगे, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आर एस लिख सकते हो। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड रूल हमने क्या बोला कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पहले वाले में आ रहे थे, पहले स्ट्रक्चर में, सभी स्ट्रक्चर्स में उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज था, एक। तो जब मैंने इसमें रेजोनेंस शो की, अगले स्ट्रक्चर में कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक। उससे अगले में कितना आ रहा है, एक। किसी बच्चे ने क्या बोला, किसी बच्चे ने यह बोल दिया, कहता सर यहां पे जाके ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये भी यहां पे जाके नेगेटिव चार्ज बनेगा, मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो दो दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। आपके पास स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था उसमें कितने नेगेटिव चार्ज थे, एक। तो उसके बाद आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें एक ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में थे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रहेंगे। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे ना मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल आप बारी बारी रिपीट कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार, चार है ना, वैसे दो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन चार है। ये मैंने रेजोनेंस शो कर दी, क्या बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, यहां पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज क्या बनाता है, बॉन्ड, और बॉन्ड क्या बनाती है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो यहां पे पॉजिटिव आ गया होगा। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ध्यान से देख लो, चार। दो होते तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता, दो इलेक्ट्रॉन, ये वाली बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, तो ये वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, दो ये रहे, कितने आ रहे हैं टोटल, पहले कितने थे, अब कितने हैं, तो ये स्ट्रक्चर सही है। अगर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज कर देता तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता, ये रेजोनेंस का रूल ही है। बात समझ में आ गई होगी, मैंने ये बोला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, मैंने ये नहीं बोला सेम एटम पे रहने चाहिए, अलग एटम पे आ गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फोर इलेक्ट्रॉन तो है,
तो ये स्ट्रक्चर सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। क्लियर हो गया, थर्ड रूल आ गया, रूल खत्म हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस द मॉलिक्यूल और एटम मस्ट नॉट वायलेट स्पेलिंग मस्ट नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारे मॉलिक्यूल का ऑक्टेट रूल जो है वो डिस्फॉलो नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कभी भी रेजोनेंस शो करो, किसी भी मॉलिक्यूल के कितने मर्जी स्ट्रक्चर दिखाओ उसमें उसका जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बना दिए। तीन कैसे बना दिए, एक तो हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन के साथ था, और रेजोनेंस करके मैंने एक और बना दिया। तो आप ये देखो इस रेजोनेंस की वजह से ऑक्टेट रूल वायलेट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो चार छ और दो आठ। अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर लगा दूं, मैं बोलूं यार दो लोन पेयर होते हैं दो ही रहने देती है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दस। दस तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया, वायलेट। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये गलत है। बात समझ में आ गई होगी। कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है तो कार्बन कितने बनाऊंगा, चार ही बनाऊंगा। पांच बना दिए, छह बना दिए, वो गलत हो गया स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना? तो आपको वैलेंसी का, ऑक्टेट का कोई भी रूल फॉलो, सॉरी कोई भी रूल फॉलो करना होता है, कोई भी रूल तोड़ना नहीं होता, वायलेट नहीं करना होता। समझ गए? तो ये हमारे मेन तीन रूल थे जो हमें पढ़ने होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। हो जाएगा। अब इसमें ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने आगे वाला जो टॉपिक पढ़ना है वो इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। आपने ना ये वाला एग्जांपल लिया हुआ था साइक्लोप्रोपीन एनायन का, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीन। अगर मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड तीनों कार्बन पे आ रही है, सर्कल, नेगेटिव भी तीनों कार्बन पे आ रहा है, ये इसका क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब एक बार मेरे ध्यान से सुनो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बनाते हैं, सभी स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन करके। मतलब मैं आपको ये बोल दूं कि हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके बने, सही है? अब ध्यान से एक बात सुनो, जब मैंने ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंबाइन किए तो मुझे ये बताना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर इन्होंने कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। समझ रहे हो ना? जैसे आप तीन जने बैठे हो, मैंने बोला कि पार्टी हो जाए तो आपने बोला सर कर लो पार्टी, मैंने कहा हाँ निकालो पैसे, तो मैंने आप तीनों को बोल दिया पैसे निकालने के लिए। अब बाय डिफॉल्ट रूल तो यही बनता है कि मैं आपसे बराबर बराबर पैसे लूं, पर मैंने वैसे बोल दिया, मैंने कहा चिराग के पर्सन 500 बढ़े तो चिराग तो 500 देगा, बाकी 100 दे दो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में हमें यही चेक करना है कि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी स्ट्रक्चर का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कम कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, कम कॉन्ट्रीब्यूशन और इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमें इसी बारे में बताएगा कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन से स्ट्रक्चर कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप मुझे बताओ इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं, वैसे भी स्ट्रक्चर्स में ऑल ओवर देखो, ऑल ओवर कोई डिफरेंस नहीं है। एक एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और उसके ऑपोजिट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, तो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है, सेम है। अगर तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सेम है तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, 33.33%, सही है? ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, 33.33%, ये भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, 33.33%,
समझ में आ गया। अब सपोज करो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बनाते इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, सोच लो ऐसा हो गया, तो अब मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तीन। इनमें से ये दोनों तो सेम है और जो भी मैंने रूल लिखे ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला था, रूल नंबर टू पढ़ो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना, ये कम कंट्रीब्यूट करेगा। ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 45% 45%, ये रेजोनेंस का रूल फॉलो नहीं कर रहा ना, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हो। तो जो मैं आपको अगला टॉपिक करवा रहा हूं ये किससे रिलेटेड है, ये उन कंडीशन से रिलेटेड है जो हमें ये बताएंगी कौन से स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करते हैं। एक छोटा सा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं। उस स्ट्रक्चर को मैं लेस स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, उसमें कंजुगेशन है ही नहीं, तो रेजोनेंस ही नहीं होगी और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होती है। जो स्ट्रक्चर जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्या बोला था मैंने, देखो इसके कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीन। मैंने जो आपको कल एग्जांपल दिया था उसमें कितने बन रहे थे, सात। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, सात वाले की। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब कंट्रीब्यूट ज्यादा कौन करेगा उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग आ गई रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ relative contributions of resonating structures, relative contributions of resonating structures, मतलब हमें यह बताना है कि कौन सी conditions में कौन से structure ज्यादा contribute करते हैं और कौन से structure कम contribute करते हैं या equal contribute करते हैं, ठीक है। अब आपको पहले मैं पूछ रहा हूँ, रूल बाद में लिखवाऊंगा। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, एक तो बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, एक बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है, तो 50-50% कंट्रीब्यूशन होगा, समझ गए होगे। तो आप कर सकते हो ना, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 100 है, दो है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया पर स्ट्रक्चर, वैसे मैंने यहां किया था तो 33.33 आ रहा था, समझ गए होंगे। पहली कंडीशन लिखो, स्ट्रक्चर्स विच आर आइडेंटिकल आर ऑफ सेम एनर्जी एंड हेंस contribute equally, क्या बोला मैंने, पहला रूल, वो स्ट्रक्चर्स जो दिखने में आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम। अगर वो दिखने में सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो वो कंट्रीब्यूट भी क्या करेंगे, सेम। अभी एग्जांपल दिए थे मैंने, साइक्लोप्रोपीन वाला एग्जांपल था, उसमें तीनों स्ट्रक्चर इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बेंजीन वाला एग्जांपल था, वो भी आइडेंटिकल होते हैं, तो लिख लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए ये इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला एग्जांपल किसका एग्जांपल था, ये बेंजीन का। दूसरा एग्जांपल है बच्चे अलाइन कार्बोकेटायन का, ये दोनों चीजें नहीं पढ़ी आपने, ना आपने भी अलाइल पढ़ा ना आपने कार्बोकेटायन, पर पढ़ लेंगे अभी। अलाइल कार्बोकेटायन कौन से होते हैं, आपके कंपाउंड में ना डबल बॉन्ड आ रही होगी, डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन होता है ये होता है अलाइल। कौन सा कार्बन अलाइल होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जस्ट अगला कार्बन अलाइल होता है, और अलाइल पे हमने क्या बनाना है, केटायन। केटायन कैसे बनाते हैं, है ना, तो ये अलाइल कार्बोकेटायन है, इसका हाइड्रोजन को लेना तो 2 1 2
एलाइल कार्बोकेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे। बनाकर दिखाऊं, एक बार देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या, किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कहता भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले, दे दिए, क्या बन गया देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहां क्या बन जाएगी। ध्यान से देखो, आप कल कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे थे, नेगेटिव वाले, उसमें आप कितने एरो यूज करते हैं, दो। आप नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, दोनों प्रोसेस करने में एक एक एरो लगता है, कितने एरो हो गए, दो एरो। यहां कितने एरो बनते हैं, एक ही बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव में बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा काम सेम होता है। बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, ये भी अलाइल है, ये भी अलाइल है, आइडेंटिकल है तो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल करेंगे। आप कुछ कह रहे थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी आदत है थोड़ी सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये दो एग्जाम्पल हो गए पहली कंडीशन के। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन। मजा ना बंद होगा ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़ा मस्त है, वीडियो पॉज हो रही है, ऐसे कैसे पॉज हो रही है अभी, अब तो मैंने एयरप्लेन मोड लगा लिया। एक बार रजिस्टर करो निशा, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, और किसी की वीडियो पॉज हो रही है तो भी बताओ, अगर सबकी वीडियो पॉज हो रही है तो मैं रजिस्टर करता हूँ। सर पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। अच्छा चलो, मैंने लेट पढ़ा, पहले किया था मैसेज। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो पहला कंडीशन हो गया होगा, सेकंड पढ़ोगे, सेकंड वाले लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि आरएस विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर। क्या बोला मैंने, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगी वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एज कंपेयर टू दोस कंपाउंड जिनमें कम कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ब्यूटा वन थ्री डाई ईन। मैंने ना आपको नाम बता दिया, स्ट्रक्चर बनाने कितने कार्बन आ गए अपनी मर्जी से, नहीं कर दो, वन और थ्री पे क्या लगानी है, ई, तो वन पे, और अब क्या करना रहेगा, हाइड्रोजन पूरे, ये होता है ब्यूटा वन थ्री डाई। कितनी कोवलेंट बॉन्ड आ रही है बच्चे इसमें, पांच, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच आ रही है। अब देखो कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज यानी कि डबल बॉन्ड जो है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन पे अगले कार्बन पे, ये मतलब पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको मैंने नेगेटिव चार्ज बोला। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक बार ध्यान से देखो, इसके इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां पे, एक बार देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, CH2 as it is, ये डबल बॉन्ड यहां चलेगी, यहां कितने रह गए, सिंगल, यहां एक बॉन्ड थी, एक आ गई, दो, यहां डबल थी, इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इस पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे क्या आ जाएगा। सर ऐसे क्यों करते हो हमेशा, ऐसे भी तो कर सकते थे, मतलब जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रॉन यहीं पे डोनेट करूंगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो डोनेट कर सकता था,
अगर ऐसे डोनेट करता तो इस पे नेगेटिव आ जाता और इस पे बस यही फर्क आएगा। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चे? तीन पॉसिबल है, एक तो इसके अकॉर्डिंग और एक में मैंने क्या किया, चार्ज उल्टा कर दिया। मेन बात देखो, मेन बात इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड थे? पांच। इन दोनों में कितने आ रहे हैं? इन दोनों में चार आ रहे हैं। तो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा? पांच वाला। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड और थर्ड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल है ना, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट भी इक्वल करेंगे, पर वन वाला ज्यादा करेगा। ये सेकेंड कंडीशन है, गिन सकते हैं, मतलब ऐसे भी पता लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारी कंडीशंस हैं, अपने को जो स्ट्रेंथ सुटेबल लगी है वही लगा देंगे, सारी नहीं लगानी होती, मेन बात ये है। तो ये है हमारे पास हमारा सेकंड रूल, सेकंड कंडीशन। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा आ रही होती हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, दूसरे वाले जो है वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास हमारा सेकंड कंडीशन का एग्जाम्पल। थर्ड कंडीशन, ये समझ में आ गया ऑर्डर कैसे है। थर्ड कंडीशन, स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। Structures which involve separation of positive and negative charge contributes less towards RH, resonance hybrid. Contributes less towards resonance hybrid. ऐसे structure जिनमें positive negative charge आ जाए वो contribute कम करती हैं। एक बार ऊपर वाला एग्जांपल देखना, ब्यूटाडाइन वाला, इसमें मत देखो, अभी यहां मिटा दिया। कॉपी में देखो, कॉपी में आपने ब्यूटाडाइन का एग्जांपल बनाया होगा। बच्चे पहले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में चार्ज आ रहा है, कौन सा? पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, दोनों अलग अलग कार्बन पे आ रहे हैं। तो यानी कि सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में क्या आ गई? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन आ गई। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें चार्ज सेपरेशन आ जाए वो कंट्रीब्यूट कम करती हैं। तो तीनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। अब देखो, चाहे सेकंड कंडीशन लगाओ चाहे थर्ड कंडीशन लगाओ, आंसर सेम आ रहे हैं। तो मतलब कंडीशन सारी लगानी जरूरी नहीं होती, आप एक कंडीशन लगा के भी आइडिया लगा सकते हो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कौन कम कंट्रीब्यूट करेगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये देखो, कौन सा मॉलिक्यूल है, नाम बताना। RCOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सबसे ये कौन सा है? येलो सी है, देखता हूँ ये कौन सा है। किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ ऐड करनी पड़ेगी इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो देख लो एक बार, याद रखा करो भाई, ठीक है ना, गलत बात है। इसमें अपन ने रेजोनेंस शो करनी है, चार्ज सेपरेशन आ रही है? नहीं आ रही, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर कंजुगेशन में है, डबल सिंगल उसके बाद लोन पेयर, तो रेजोनेंस हो गई। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा, अब ध्यान से देखो एक बार, यहां डबल बॉन्ड थी, क्या रह जाएगी? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? यहां पे सिंगल बॉन्ड थी, अपन ने बॉन्ड बनाई, कितने बॉन्ड हो गए? दो। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, इस पे पहले वाले स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं थी, दूसरा भी। तो दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? वन कंट्रीब्यूट्स मोर देन द सेकंड। ये दूसरा एग्जांपल,
क्या हुआ मतलब? मतलब इसकी फर्स्ट की कंट्रीब्यूशन ज्यादा कैसे हुई? वो बात करती होती है स्टेबिलिटी की। अब इसमें क्या होगा, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो किसी भी तरह के अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और मतलब फोर्सेस आ जाएंगे जो हमारे मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे, उस वजह से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जो अनस्टेबल होते हैं वो कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड रूल। अब देखो ऐसा है, हम ये कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना आए, आगे आप क्या कर सकते हैं, अब ऐसे एग्जांपल जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा हो लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे आ रहा हो, कभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास हो जाएगा कभी दूर हो जाएगा, तब कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये रूल है आज का लास्ट। तो लिखोगे रूल नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, लेसर इज द सेपरेशन, लेसर इज द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लेसर इज द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। More will be the stability. Example दे रहा हूं मैं, ब्यूटाडाइन था उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पे कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो क्या चलेगी, रेजोनेंस चलेगी, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आगे जाके फिर से बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पे दो बीच में मतलब डबल बॉन्ड आ गई ना, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, इसने भी बॉन्ड बनाई और फाइनली बॉन्ड क्या बनाएगा, ये बन गया, इसमें पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन देखो, समझ गए। अब नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा, तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ सकता है। पहले तो ये बताओ स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है तो, समझ में आई कैसे बनाया मैंने, पहले मैंने पूरी कंजुगेशन दिखाई तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, अब मैं पूरी नहीं दिखा रहा, मैं हाफ दिखा रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। इन तीनों में से बच्चे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे वाला स्टेबल कौन सा होगा, तीनों बच्चे अलग अलग पता है, एक मिनट हाँ जी क्या कह रहे हो, सेंटर वाला पहले वाला, चिराग में कौन सा लग रहा, थर्ड वाला पहले वाला नहीं नहीं थर्ड, अरे ऐसे मत कर तू, चलो तो चिराग छिंदर और सौरभ, सौरभ आंसर सही है। ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन होती ही नहीं, तो इन दोनों में चार्ज सेपरेशन आ रही है, इसमें नहीं आ रही, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा, अब इन दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेसर इज द चार्ज सेपरेशन, यहां पे चार सेपरेशन में तीन आइटम्स हैं और यहां पे पांच, तो मैंने अभी भी पॉइंट क्या लिखवाया, जिसमें चार सेपरेशन का डिस्टेंस कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वन के बाद कौन स्टेबल है, थर्ड, इसमें सेपरेशन कम है, उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन है, तो तीनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, फर्स्ट फिर थर्ड फिर फिफ्टीन थर्टी ट्वेंटी, वैसे बोल रहा हूं परसेंटेज में, परसेंटेज एक्यूरेट नहीं है पर ये आंसर आएगा, समझ में आ गया होगा, ड्रॉ कर लो, बाकी भी आप डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, चलिए।